राज कुंद्रा मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट जो है सामने आ रहा है। आप सभी जानते ही हैं कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी 19 जुलाई को हुई थी और पुलिस का आरोप है कि पोर्नोग्राफी कंटेंट जो है क्रिएट करना और उसे अपलोड करने का जो आरोप है वो राज कुंद्रा पर लगाया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले के लिए एक स्पेशल SIT टीम का गठन किया जाने वाला है और उसका नेतृत्व एक SP लेवल के अधिकारी करेंगे। जितने भी मामले इस पूरे केस में दर्ज हैं उन सभी मामलों की जांच की जाएगी और उसके बाद जो है रिपोर्ट क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों को सौंपी जाएगी। तो न्यूज 18 की खबर के अनुसार जो है टीम पोर्नोग्राफी मामले में अलग अलग दर्ज सभी मामलों की जांच करेगी और फिर क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों को रिपोर्ट करेगी। बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि ये रैकेट सिर्फ मुंबई या देश के अन्य हिस्सों तक सीमित नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके तार जुड़े हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पहले ही राज कुंद्रा की कंपनी से हो रहे विदेशी ट्रांजैक्शन, अवैध संचालन का खुलासा किया था। साथ ही ये भी दावा किया गया था कि सर्वर से डाटा भी डिलीट किया गया है। 11 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और आप सभी जानते ही हैं कि 20 अगस्त तक जो जमानत याचिका है राज की उसको अभी फिलहाल जो है सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं गहना वर्षिश की जो अग्रिम जमानत की याचिका थी उसको कल सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस पूरे मामले में शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे, गहना वशिष्ठ इन सब का बयान भी दर्ज हुआ है। तो अब खबर आ रही है कि इस पूरे मामले में एक स्पेशल SIT टीम का गठन किया जाएगा जो इस पूरे मामले की जांच करेगी।